So hey, what's up everyone, welcome back to Mind Gaming. So guys, आज हम कर रहे हैं पोकी टाउन इवेंट न्यूज। बहुत टाइम के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ और हमारी वीडियो आ चुकी है इवेंट न्यूज पे। तो पहला पोकेमॉन है हमारा मेगा स्काई सीजर और इसके मूव्स उतने अच्छे नहीं है, ऐसा इसके ऐसे में तो अटैक उतना भी है। और अब आता है नेक्स्ट मेगा स्टार विनोसोर, जो विनोसोर से कम अच्छा नहीं है क्योंकि छोटा दिखता है और ये फिजिक टाइप है, पॉइजन टाइप से ये कमज़ोर हो चुके हैं और एक डार्क टाइप जी मूव और ये खेल ख़त्म। तो इसलिए ये उतना भी अच्छा नहीं है, अभी तक फायर टाइप से अभी भी ये हार सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा गाइस नॉर्मल विनोसोर इससे बेहतर है। तो अब नेक्स्ट आता है अपना मेगा ये आर्कनाइन, जो क्यों क्रिसमस का है और अब क्यों आया है, ये दिसंबर में आना चाहिए। तो फायर डार्क है, डार्क टाइप और फायर टाइप भी है और इसका अटैक टाइप है, ऐसा अटैक टाइप भी है, ऐसा अटैक उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ये अटैक टाइप है। और सकर पंच है, फायर ब्लिट्स है, जो उतना भी अच्छा नहीं है। तो अब नेक्स्ट पोकेमॉन आता है अपना मेगा स्काई टायरेंटॉन, जो ये दो तीन इवेंट में आ चुका है, दो या एक इवेंट में, क्योंकि मैंने इसे पहले भी देखा। ये उतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि टायरेंटॉन से कमज़ोर है, एक अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और डार्क टाइप भी है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेगा स्वीट एरोडैक्टिल, ये अच्छा है, रॉक टाइप इसलिए चेंज हो चुका है, इसलिए बहुत अच्छा है। तो अब नेक्स्ट आता है अपना मेगा गैरडॉस, ऐसे इसमें तो देख सकते हैं आप लोग अटैक टाइप है और उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि फिजिक टाइप बन चुके हैं, फिजिक टाइप पोकेमॉन्स बहुत आ रहे इधर, क्योंकि मुझे ये बता दीजिए फिजिक टाइप और डार्क टाइप और स्टील टाइप आ चुके हैं पोकेमॉन्स ज़्यादा। तो म्यूटू भी आ चुके हैं, म्यूटू के हर किसी को पता है म्यूटू के मूव्स। और पहले गैरडॉस का बात कर लेते कि गैरडॉस मैं इसलिए कहता हूँ कि गैरडॉस नहीं लेते क्योंकि गाइस डार्क टाइप से बहुत कमज़ोर है और अभी भी ग्रास टाइप बहुत डैमेज देता है उसे। तो अब आता है अपना म्यूटू, जिसकी हर किसी को मारता है, रिकवर के अलावा कोई भी इसमें अच्छा मूव नहीं है, पूरे टीएम से लगाना पड़ेगा। तो मेगा बनाना है तो ले सकते हैं आप फिजिक टाइप सूट के लिए। तो अब ग्रेनिंजा आता है वाटर डार्क, वाटर एंड डार्क सूट के लिए बहुत अच्छा पोकेमॉन होगा, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, मूव्स तो भाई उतने भी अच्छे नहीं है पर स्पाइक्स वगैरह भी है। तो अब नेक्स्ट पोकेमॉन आता है रेगागैस, अटैक है इसका 160 और बहुत ही ज़्यादा है ये, तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कौन सा पोकेमॉन बेस्ट होगा। हाँ तो ये पोकेमॉन, अब आता है हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन, वो है वोल्केनोपॉप, तो फायर एंड घोस्ट टाइप है, उतना भी बेहतर नहीं है। मैं वोल्केनोपॉप पहले भी इवेंट में आ चुका था पर ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदा था, इस बार मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग खरीद लेंगे क्योंकि और मुझे नहीं पता। तो नेक्स्ट पोकेमॉन आता है डेविल यवरटल, जिसको हर किसी को पता होगा गाइस, या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसका आर टू मूव है जो ज़्यादातर पोकेमॉन्स पे नहीं आता है, डेविल यवरटल पे है आर टू मूव, बिना आर टू करे नहीं आता है, ई सर्वर में तो आर टू बना ही नहीं सकते लोग। तो अब नेक्स्ट आता है स्काई डाकराई, स्काई डाकराई देख सकते स्टील एंड डार्क और भाई मैं बता दूंगा, तो भाई ये तो मुझे बहुत बेस्ट दिखा गया इस पोकेमॉन, क्योंकि नाइटमेयर सीट जो आर टू मूव है वो 30% चांस करते हैं कि भाई स्लिप कर देगी किसी को भी, 30% चांस स्लिप, हिप्नोसिस है इस गन और डार्क वर्ल्ड है, अब कुछ भी हो जाए जीत सकता है और भाई के स्टील टाइप मूव और ड्रीम इटर भी है, तो ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। सो ये तो हमारा लास्ट पोकेमॉन था, पर मत सोचिए कि अभी वीडियो एंड हो जाएगी और मैं बाय बोल दूंगा, पर नहीं, न्यू हमारे पास और पोकेमॉन्स है, पर वो इवेंट नहीं, न्यू पोकेमॉन्स आ चुके हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप की न्यू पोकेमॉन्स, लाइक मैंने देखा है, मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा अपडेट आया इसलिए बहुत अच्छे आ चुके हैं। देखो पोकेमॉन्स बहुत अच्छे आ चुके, फाइटिंग एंड बग टाइप भी मुझे और सेप्टाइल और भी ये क्या कर चुके हैं, मेगा पर्पल सोलियाली और फिजिक और पॉइजन कौन बनाता है, पॉइजन एंड ड्रैगन फ्लाइंग टाइप से हट ही गया है। तो अब मेगा वाइट रेक्वाजा वाटर एंड ड्रैगन, जो उतना अच्छा भी कॉम्बिनेशन नहीं है पर, और कभी किसी ने सोचा मेगा ग्रे ग्राउडन, ग्रे करके उन लोगों ने फेरी लगा दिया है, तो मेगा वाटर में हूँ। और मेगा डेथ डाकराई जो बहुत ही अच्छा है पर अर्थक्विक से अब वो कमज़ोर है, दो गुना कमज़ोर है अर्थक्विक से अभी, और एक और अब आता है अपना मेगा ड्रैगन ब्लेजिकन, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि बस ड्रैगन टाइप सूट के लिए अच्छा है, मेरे सूट के लिए अच्छा नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा पोकेमॉन से ये सब पोकेमॉन्स तो हम लोग देख चुके हैं और आइस सुपा भी आ चुका है मेगा, तो ये सब पोकेमॉन्स थे। और यहाँ पे सोलगैलियो सबसे
बेस्टी का हम न्यू पोकेमोन पे। सो गाइज आज के लिए गाइज इतना ही होगा क्योंकि और पोकेमोन्स तो नहीं है न्यू। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हमारा लास्ट स्काई डाकरे था बेस्ट, उसके अलावा कोई भी पोकेमोन मुझे तो लाइक पसंद नहीं आया। बाय गाइज।